किस टाइप के आइसक्रीम रखे हो बताओ? मैंने जेली वाला देते हैं, जेली वाला। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू और चैनल जो है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप आपके बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत ही सुंदर होंगे और आप सबका दिन बहुत अच्छे से बीत रहा होगा गर्मी में। मैंने बोला था यार गर्मी में इंजॉय करो, तो एक भाई साहब ने बोला था कि गर्मी में इंजॉयमेंट कैसे हो सकती है इतनी गर्मी में। तो मेरा कहना है कि गर्मी तो क्या, जैसे हम ठंडी को इंजॉय करते हैं, बरसात को एंजॉय करते हैं, वैसे ही गर्मी को भी एंजॉय करें, क्योंकि ये जो गर्मी है ना कुछ महीने के लिए ही है, कुछ दिनों के लिए ही है, इसके बाद में बरसात आ जाएगी और बरसात में तेज़ हवा का आंधी तूफान होगा और पानी वानी गिरेगा, तो उन सबको एंजॉय करना है और झेलना भी है, तो इसलिए बोल रही हूँ। ये फिर ऐसा होता है ना ठंड के दिनों में, काश धूप चाहिए, इतनी ठंडी लगती है तो कितना धूप चाहिए होता है हमको, गर्मी चाहिए होती है, तो वही गर्मी अभी हमें मिल रही है, भले ही वो ठंडी चली गई है, लेकिन वही है ना, अपने अपने समय का सबका अलग अलग महत्व है, अलग अलग सीज़न का क्या बोलूँ, सीज़न का अलग अलग टाइम का सबका अपना अपना महत्व है फ्रेंड्स, तो हाँ उसका जो महत्व है ना हम सभी समझते हैं अच्छे से, इसके बावजूद भी हम बोलते हैं कि गर्मी में इंजॉयमेंट कैसा, ठंडी में कैसा इंजॉयमेंट। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि ठंडी दिनों में भी दिन हमें नहीं अच्छे लगते, गर्मी दिन हमें अच्छे नहीं लगते, तो ये अच्छे नहीं लगते का क्या मतलब है भाई? जो है सो है, उसको तो हम बदल नहीं सकते ना, जो बदल नहीं सकते उसको अपना ही लेना चाहिए, उसमें खुश ही रहना चाहिए तो भी ठीक रहता है। अरे क्या वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है, वो मुझे पसंद नहीं है, क्या पसंद नहीं है तो छोड़ के चले जाओगे? नहीं जा सकते ना, वही तो रहना पड़ेगा, चाहे पसंद रहे कि ना पसंद रहे। कहते हैं ना जो पसंद है, जो पसंद नहीं है उसे भी अपना लेना चाहिए, रहना तो वहीं पर है, तो हंस कर कोई एयर रोक है, क्योंकि उन्हें हंस के इंजॉयमेंट के साथ रहे। अब जितना बोलोगे ना कि गर्मी हाय ये गर्मी हाय ये गर्मी, तो गर्मी चली नहीं जाएगी। अच्छा अच्छा, हाय गर्मी बोलो। ओके, तो ब्रश वॉश करते हैं, कपड़े वपड़े धोते हैं, देन नीचे जाएंगे, फिर हमारा ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, आप सब वीडियो पर बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा बन रहा था ब्रेकफास्ट, बना रही थी मैं परवल की सब्ज़ी, जो कि मुझे बहुत पसंद है और बहुत अच्छी भी लगती है ना, बहुत दिन बाद बना रही थी, मतलब इस टाइम गर्मी दिनों में ना फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं, आप सभी को कभी शेयर भी नहीं किया है, इन दिनों में नहीं किया है, गर्मी दिनों में जैसे ही गर्मी आई है ना, तो परवल की सब्ज़ी फर्स्ट टाइम बन रही है मेरे घर पर, और ये देखिए बनने के बाद मैं ऐसे और ये इतनी सूखी मैंने इसलिए बनाया है इसको, क्योंकि इसको रोटी के साथ में खाने हैं, पराठे के साथ में खाना है, तो पराठे के समय से सूखे सूखे अच्छे लगते हैं ना, तो मैं हो गया हमारा ब्रेकफास्ट और लंच में बाद में देखते हैं क्या बनेगी। फिलहाल अभी हम ब्रेकफास्ट करते हैं, सब्जी बहुत ही टेस्टी लग रही थी, आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, जितनी अच्छी दिख रही है ना उतनी अच्छी लग रही थी। फ्रेंड्स, तो अभी मैंने आप सबके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, धीरे धीरे एक एक पोस्ट करते जाऊंगी, आप सब जरूर देखिएगा। हेयर स्टाइल की वीडियो बनाई है मैंने, और हेयर स्टाइल की वीडियो बनाई है, एक ही हेयर स्टाइल किया है जो अभी मैं आपको बता रही हूँ, तो ज़रूर देखिएगा वीडियो को। और ये हमारे दोनों बाबू सो रहे हैं ना, तो मैं भी जाके सोने ही वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको एक और चीज़ शेयर करने वाली हूँ। मैं जा रही हूँ सोने को और मिलते हैं शाम को, अभी मैं सोऊंगी, बहुत नींद आ रही है, देख सकते हैं आप सबके लिए वीडियो बनाई हूँ, देख लीजिएगा, मेरी आंखें ऑटोमेटिकली बंद हो जा रही हैं, सो मुझे अभी जाना है और सोना है, देन शाम को आप मिलते हैं चाय के टाइम पर। ओके, आप सब वीडियो पे बने रहिएगा। क्या रखे, क्या सेल कर रहे हैं आप, क्या सेल कर रहे हो जी, क्या सेल कर रहे हो, क्या सेल कर रहे हो सर? आइसक्रीम? तो इतने पास की वहां जा रहे हैं, वाह, दूर में रहिए दूर में। और आइसक्रीम, विच टाइप ऑफ आइसक्रीम यू हैव? आप किस टाइप के आइसक्रीम रखे हो बताओ? मैंने जेली वाला देते हैं, जेली वाला। ओके, दीजिए। गिर गया क्या?
दूसरा वाला दीजिए, दूसरा नहीं नहीं उसमें और क्या क्या चीजें मिलाते हो ना, सबको देते हो ऐसी दीजिए, अच्छा वाला दीजिए, एक बार और, एक बार और दीजिए ना सर। क्या आवाज है भाई, तो इसमें क्या क्या मिलाते हो आप आइसक्रीम में? तो आइसक्रीम वाले भैया सुनिए ना, आप इतने क्यूट हो, किस दोगे? दीजिए ना, आइए इधर आइए, और ना सारे आइसक्रीम मैं खा जाऊंगी आपके, आपकी गाड़ी है ही मेरे पास, सारे आइसक्रीम खा जाऊंगी मैं, सारे आइसक्रीम खा जाऊंगी, खा जाऊं, नहीं खाऊंगी। आइसक्रीम वाले भैया कितने की थी वो आइसक्रीम? बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, क्या मिलाते हो उसमें? चूना मिलाता। तो कुछ तो मिलाते होगे तभी तो बनती है, क्या मिलाते हो? चूना मिलाता कुछ नहीं, ऐसे ही बन जाती है, ऐसे ही बन जाती है। तो आइसक्रीम वाले भैया आप बहुत क्यूट लग रहे हो, किस करूं आपको? बहुत क्यूट लग रहे हो, आइसक्रीम खा खा के हुए हो शायद, है ना? तो आई होप आप सबको मेरे बेटे की क्यूट क्यूट सी बातें अच्छी लगी होगी, बहुत फनी, बहुत मज़ेदार बात करता है ना। मैं इतनी हंसती हूँ ना गाइस, मैं इतनी हंसती हूँ कि मेरी हंसी रुक नहीं पाती है, जितना रोकने की कोशिश करूँ हंसी को उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और मैं रोक ही नहीं पाती हूँ। तो ऐसे हालत हो जाती है मेरी कभी कभी बड़ी की वजह से, और उसको ना मैं मौत किस करती हूँ फिर जब वैसे क्यूट क्यूट सी हरकतें करता है ना, आइसक्रीम बेच रहा था जाता है, अगर उसको मना किया ना कि आइसक्रीम हमें अभी नहीं चाहिए, तो फिर वो रोने लग जाता है, फिर मुझे मौके मिल जाते हैं, फिर मैं उसे बोलती हूँ कि बड़ी आप किस दोगे तभी आपकी आइसक्रीम लूँगी, मैं उसको खूब किस करती हूँ। वो परेशान हो जाता है। खैर ओके गाइस, तो ये हमने चाय पिया शाम को, और ये बन रही थी हमारी डिनर, आलू और शिमला मिर्च की सब्जी। कभी खाए हैं क्या आप लोग? मैं तो पहली बार बना रही थी, बट बना बहुत ही अच्छा था, टेस्टी था, और रोटी के साथ तो सब्जी काफ़ी अच्छे ही लगते हैं ना। जी मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, बना बहुत ही मस्त था, बनने के बाद मैं आप सबको दिखाती हूँ। फिलहाल आप सभी वीडियो पे बने रहिएगा, फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और आज की वीडियो अच्छी लग रही हो ना थोड़ी सी भी तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। फ्रेंड्स आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? जो नोटिफिकेशन का आइकन होता है तो उसको अगर आप लोग क्लिक करते हैं ना, ऑन कर देते हैं ऑल पे, तो मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको जाएगी। मैं जब भी वीडियो नया अपलोड करूँगी ना तो आप सबको नोटिफिकेशन जाएगा और मेरी वीडियो आप उसी टाइम देख पाओगे। तो फ्रेंड्स मैं अभी बहुत मेहनत कर रही हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करें। मैं एक दिन में दो दो वीडियोज़ डालती हूँ, दो तीन रील्स भी अभी काफ़ी डालना स्टार्ट कर दिया है मैंने, रील्स डाल रही हूँ, व्लॉग्स डाल रही हूँ, तो कोशिश करती हूँ दो दूँ सुबह शाम। तो आप सभी देखते ही होंगे, 4 बजे शाम को आती है, दिन में सुबह ही मिल जाती है किसी भी टाइम, सुबह में कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं सेट करा है मैंने, बट शाम के टाइम में 4 बजे आती है व्लॉग्स। तो 4 बजे आप लोग ज़रूर देखिएगा और बहुत सारा सपोर्ट करें, और खुद सपोर्ट के साथ साथ फ्रेंड्स आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी, फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हो, ताकि वो लोग भी सपोर्ट करें और मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिले और प्यार मिले आप सभी का। आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, देख सकते हैं मेरी सब्जी कैसी दिख रही है, थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी ना तो फ्रेंड्स लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो पे, आप सभी को जय श्री कृष्ण, बाय।